देश भर की तरह हिमाचल प्रदेश में भी 2 नवंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन कोरोना महामारी के कारण स्कूलों में उपस्थिति बच्चों की कम ही दर्ज की गई। आपको बता दें कि प्रदेश कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप ही हिमाचल में स्कूल 2 नवंबर से खोल दिए जाएंगे, जिसके तहत कोरोना महामारी के तहत बनाए गए नियमों का पालन करते हुए बच्चे अपने स्कूल में उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल मंडी की बात करें तो स्कूल परिसर को पूरा सैनिटाइज किया गया है और कक्षाओं को सुचारू रूप से काम करने के लिए शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि केवल वही छात्र स्कूल आ सकते हैं जिनके माँ बाप लिखित में सहमति पत्र देंगे। मैं अशोक ठाकुर, उप प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल मंडी। आज हमारी कक्षाएं जो 9वीं से 12वीं कक्षा तक की हैं वो शुरू हो गई हैं, जैसे कि सरकार की तरफ से हमें आदेश प्राप्त हुए थे। आज करीब 70 विद्यार्थी हर कक्षा के पहुंचे हैं, चाहे वो 9th है, 10th है, प्लस 1 है, 2 है, चाहे कॉमर्स का बच्चा है, चाहे साइंस का है, तो लगभग हर क्लास में आज बच्चे आए हैं। हाँ, हम जो सरकार की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं, जो SOP जारी हुई है, उसका पूर्णतः पालन कर रहे हैं। इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग के तहत दूर दूर करके बिठाया जा रहा है, और उसके साथ साथ हमने जो क्लासरूम्स हैं उनको प्रॉपर सैनिटाइजेशन उनकी करवाई है। उससे पहले हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन जो आता है उसका स्प्रे करवाया है। उसके पश्चात हमारी जो कक्षाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं। विद्यार्थी जो है प्रॉपरली मास्क लगा रहे हैं, हम उन्हें समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि ये मास्क जो है उनके लिए ज़रूरी है, और साथ में हमने उन्हें ये भी बताया है कि थोड़ी दूरी जो है वो दूसरे विद्यार्थियों के साथ आपने रखनी है, चाहे आप सुबह जब आते हैं या शाम को जब आपने जाना है तो भी आपने दूसरे लोगों से थोड़ा दूरी रखनी है। धीरे धीरे हमें उम्मीद है कि विद्यार्थियों की संख्या में और ज़्यादा इजाफा होगा और सभी जो विद्यार्थी हैं वो जल्दी से जल्दी विद्यालय में आएंगे। मेरा नाम कमल है, मैं आज स्कूल आया हूँ। हम स्कूल आते ही हमें गेट पर हमारा टेम्परेचर चेक किया गया और हमें स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया गया, और हमें स्कूल जब हम स्कूल आए तब हमें बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम रमन है और मैं आज पहले दिन वही स्कूल में आया हूँ और मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ, और हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूल में आए और हमारा थर्मल स्कैनिंग किया गया और एनिवर्सरी कराया गया, और हमारा हमें क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाया गया, और मेरे मतलब फ्रेंड्स ने भी मुझे स्कूल जाने के लिए अलाउ किया, और मतलब हमारी जो क्लास लगी वो रेगुलर लगती है, और फिर हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्लास में बिठाया गया।